डिपार्टमेंट की एजुकेशन जो पढ़ाई जा रही थी। महाराज जी, एनजीटी के लगातार जो आदेश हुए थे उनमें अब पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो क्या कहेंगे परिक्रमा मार्ग में ई रिक्शाओं का लगातार जबरदस्त यहाँ पर जोर देखने को मिल रहा है, वाहन चल रहे हैं, बाहरी वाहन चल रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। जिस व्यवस्था के लिए आप न्यायालय तक पहुँचे वो तो जस की तस है यहाँ सब कुछ। मैं आपको नमन करता हूँ कि आपने ऐसा प्रश्न हमारे सामने रखा। हमें तरस आ रही है हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी पर और राजनेताओं की बुद्धि पर। माननीय न्यायालय एनजीटी के अध्यक्षता में कमेटी गठित कर करके बहुत लंबे अरसे तक जो ये लड़ाई चली और बड़े व्यवस्थित रूप से चली, और उसके बाद जो मंथन निकल करके आया वो 17 ऑर्डर दिया माननीय न्यायालय ने कि ये काम कर दीजिए, तो गोवर्धन में रहने वाले, गोवर्धन में आने वाले और भविष्य में पर्यावरण संबंधी हर तरह की समस्या का समाधान हो जाएगा। उसका प्रथम आदेश था कि एक सर्विस रोड बिहाइंडेड हाउसेस बनाया जाए, शायद 10 मीटर चौड़ी बनाई जाए और उसको सभी गलियों से लिंकेट किया जाए, और उसके बाद बाकी आर्डरों को फॉलो करते हुए किस तरह से सफाई व्यवस्था हो, किस तरह से पार्किंग व्यवस्था हो, किस तरह से यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था हो, सारे आर्डर में टोटल लिखे हुए हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी केवल अपना स्वार्थ साधते हुए, आप समझिए कि मान लीजिए मकान बनाए, अगर इसका नींव खोदे बगैर अगर हम ऊपर से मकान बना दें तो मकान कितने दिन चलेगा? तो व्यवस्था तो ध्वस्त इसलिए दिखेगी कि जो माननीय न्यायालय ने जो प्रथम आदेश दिया था एनजीटी ने 10 मीटर सर्विस रोड का पहला आदेश है, आप देखिए उसी को आज तक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी ने फॉलो नहीं किया, इसलिए गोवर्धन में अव्यवस्था तो दिखेगी ही दिखेगी। जब तक पूरे राउंड में जो जितने भी ऑर्डर पास किए गए, बड़े बड़े चिंतक लोग आए, बड़े बड़े इंजीनियर लोग आए, पूरा उत्तर प्रदेश सरकार के इंजीनियर लोग आए, प्राइवेट इंजीनियर से आए और सब लोगों ने मिलकर के एक मंथन किया, बड़े बड़े वकील आए, कमेटियां बन बन करके आईं, आपके सामने ये सारी बातें। लेकिन आप ये प्रश्न आपको डीएम से जा करके पूछना चाहिए, मथुरा के डीएम से, कि आज तक आपने प्रथम आदेश की अनुपालना संपूर्ण रूप से क्यों नहीं किया? और मैं आज गारंटी लेता हूँ कि प्रथम आदेश की अनुपालना संपूर्ण रूप से कर दें तो 16 बाकी 16 को वो करेंगे ही करेंगे, और फिर गोवर्धन में ये सब समस्याएं 100 साल तक दिखने वाली